सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और पास में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हे गाइस, दिस इज राज राय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 12th के बाद से ही सोच रहे हैं, जैसे कि आपने BSc में एडमिशन ले लिया है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप IIT जैम फिजिक्स करोगे, MSc फिजिक्स करोगे किसी अदर यूनिवर्सिटी से, तो कैसे करना है बिना किसी कोचिंग के, ठीक है? तो इस बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है और कौन कौन से बुक पढ़नी है सबसे पहले, जिससे कि आप बिना किसी कोचिंग गए अपनी सेल्फ स्टडी को मेंटेन कर सकते हो और टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो जो कि आप वेस्ट करते हो। सही बता रहा हूँ, सब लोग वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो इस चीजों पे बात करेंगे गाइस और थोड़ा सा बहुत ही डीप में घुस के बात करेंगे कि हर एक टॉपिक, हर एक जो आपके पास सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात, आप कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, तो सबसे पहले अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे उसकी डेफिनेशंस हो गई, उसके थ्योरम्स क्या हैं, ठीक है, उस थ्योरम के फॉर्मूलाज क्या हैं, और फॉर्मूलाज में जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं कौन कौन से हैं, उनकी क्या वैल्यूज होती है। कुछ ऐसे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते हैं जिनकी तो वैल्यूज ऑलरेडी आपको एग्जाम में गिवन होती है, लेकिन उस फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूले में जो यूनिट हो रही है, डायमेंशंस हो रही है, और उस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जो हर एक टर्म दिख रहा है ना आपको, सपोज कीजिए आपके पास कूलॉम्स लॉ है, तो उसमें एफ का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R स्क्वायर क्या है, वहां पे R क्या है। तो अगर आप R का मतलब नहीं समझोगे, Q1 का मतलब नहीं समझोगे, Q2 का मतलब नहीं समझोगे, तो आपको ही पता है इस एग्जाम में ऐसे Q1 इज इक्वल टू इतना कूलॉम्ब, Q2 इज इक्वल टू इतना कूलॉम्ब, R इज इक्वल टू इतना मीटर कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना? तो आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। चार्ज होता है कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी होता है तो किसके बीच का होता है, ठीक है? और आपको ये जो स्टार्टिंग करनी है गाइस, कहां से करनी है, आपको 12th की बुक से करनी है, ठीक है ना? अगर हो सके तो 11th की बुक ले लो, 11th की 2 फिजिक्स की बुक और 2 मैथ्स की बुक गाइस आपको फॉलो करनी है। उसके बाद पूरा का पूरा 12th में एंटर कर जाओ। 12th के जो भी 2 मैथ्स की बुक है और 2 फिजिक्स की बुक है, वो भी कौन सी गाइस, NCERT वाली, ठीक है? NCERT में गाइस आपको MSc फिजिक्स, BSc फिजिक्स, यहां तक कि आप अगर CSIR नेट करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो जो आपको बेसिक्स है गाइस वो हमारी वहीं से होके आती है, आप सभी को पता है, ठीक है? और उन पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन फॉर्मूलाज के जितने भी एप्लीकेशंस दे रखे हैं ना, उन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, और आपके सेमेस्टर में जो भी पढ़ाया जा रहा है गाइस उसको थोड़ा सा डिटेल में घुसने की कोशिश करो, ठीक है ना? जो हम टाइम थोड़ा सा निकाल के वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि 12th में तो हमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा इधर घूम लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जब सेमेस्टर का एग्जाम आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो गाइस कुछ अपने इंपॉर्टेंट जो लाइफ के जो घंटे हैं, अपने टाइम है, वो वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप एक बार कहीं सेटल हो गए, अगर आप एक बार कहीं अच्छे से सेटल हो गए, जॉब पा गए, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, उसके बाद घूमते रहना, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको त्याग करनी पड़ेंगी, और जो टॉपर होते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है, 99.9% टॉपर्स हैं गए जो कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हुए जरूर दिखेंगे। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है ना? कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि हमेशा हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उन लोगों की तो बात ही छोड़ो यार, क्योंकि वो हर चीज मेंटेन करते हैं, गर्लफ्रेंड तक भी मेंटेन कर लेते हैं, सही होता है, ठीक है ना? तो यार इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना, हर एक जो चीज मैं बता रहा हूँ NCERT की बुक्स पे फोकस करो, और जो आपके सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उनकी बुक्स कौन कौन सी है, ज्यादातर मैं इंडियन राइटर्स की आपको बोलूंगा कि प्रेफर करना, जिससे कि आप कम टाइम में थोड़ा सा अच्छी चीजों को अटेम्प्ट कर सको, अच्छे से गेन कर सको, ठीक है ना? और यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला, फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब, इस चीज को कभी मत भूलना गाइस, ठीक है ना? और जो भी आपके सिलेबस में है, ये मत सोचना कि आपको वहां पे तो कुछ और ही देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा टफ टॉपिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ऐसा मत सोचने लगा कि यार ये 20 पेज का ये चीज है, इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? एंट्रेंस एग्जाम में जो MSc फिजिक्स के होते हैं वो बहुत टफ चीजें नहीं आती हैं,
ऐसा थोड़ा सा दिमाग में बिठा कर रहना, फॉर्मूला हो जाता है, डायमेंशंस हो जाते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं, उनमें बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनके थ्योरम का मतलब क्या होता है, बस ठीक है ना। इसको अगर आप फॉलो करके चलते हो आप क्लियर कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ही स्टार्टिंग के फेज में हो, अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो अभी जो मैंने चीजें बताई हैं इस पे थोड़ा सा फोकस करना ठीक है ना। उसके बाद भी और भी चीजें होती रहेंगी जो कि मैं लेके आता रहूंगा। जो अभी मैंने चीजें बोली है ना, बेसिक से चीजें बोली, ये आपको ध्यान रखना है गाइस ठीक है ना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, टेक केयर, बाय बाय।